हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं आईएएस पीसीएस के लिए, प्रीलिम्स के लिए टेस्ट लगा रहे हैं हम लोग। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस वो हम लोग देखेंगे, उनकी व्याख्या भी करेंगे। तो इससे पहले हम लोग 16 टेस्ट ख़त्म कर चुके हैं, ये आपका 17 है। याद रखिए, आपके जितने भी टेस्ट ख़त्म होते जा रहे हैं, जनरल स्टडीज के नाम से जो आपकी प्ले लिस्ट सूची है उसी में डाल देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? याद रखिए, हमेशा यहाँ सही या गलत, सही नहीं है के बारे में पूछता है। तो यहाँ पहले, सबसे पहले पढ़ लिया करिएगा, ठीक है, अच्छी तरह से, क्योंकि इससे कई लोगों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। सही सही नहीं है, इसी वजह से इसमें क्या पूछा है, सही है। तो इसमें वह बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था, सही बात है। उसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया यहाँ, और यहाँ कई शानदार इमारतों का निर्माण करवाया, ये आपका गलत है। उसने देश को चार प्रांतों में प्रत्येक एक राज्यपाल के अधीन विभाजित किया, जिन्हें तरफ नाम दिया, ये सही है। तो इसमें आपका 1 और 3 कथन सही है। दूसरे में क्या होगा कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने अपनी राजधानी के रूम में गुलबर्गा, याद रखिए, किसे, मांडू का नहीं, गुलबर्गा को बनाया था। उसने राजधानी में गुलबर्गा में कई खूबसूरत खूबसूरत इमारतों का निर्माण भी कराया था, ठीक है, याद रखिए। तो इसमें आपका 1 और 3 होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है आपका दूसरा, क्या है दूसरा, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन हमें देखना है। वंदगान उच्च परिवार में जन्मे और अभिजात वर्ग के कुलीन जनों की को दी जाने वाली उपाधि थी, ये आपका गलत है। खिलजियों और तुगलकों दोनों ने वंदगानों को सेनापति और राज्यपाल के रूप में उच्च राजनीतिक पद पर नियुक्त किया, ये सही है। नए सम्राट के आरोहण से प्रया दो पुराने और नए कुलीन वर्गों के मध्य संघर्ष देखने को मिलता था, ये सही है। तो इसमें आपका 2 और 3 कथन सही है, एक में होगा आपका, एक गलत है। जो एक साम्राज्य के रूप में दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने के लिए विश्वसनीय राज्यपालों और प्रशासकों की आवश्यकता थी, सामंतों और जमींदारों की बतौर राज्यपाल नियुक्ति करने के बजाय दिल्ली की शुरुआती सुल्तानों, विशेष रूप से इल्तुतमिश ने सैन्य कार्यों के लिए खरीदे गए विशेष दासों का समर्थन किया, जिन्हें फारसी में बंदागान कहा जाता है, क्या कहते हैं, बंदगान। उन्हें राज्य में कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यालयों की देखरेख के लिए सावधानीपूर्वक प्रशिक्षित किया गया था, क्योंकि वे पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर थे, अतः सुल्तान को उन पर पूरा विश्वास होता था, ठीक है। तो इसमें आपका दूसरे में कथन 2 और 3 सही है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है तीसरा, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या हमें सही कथन चुनना है, सैन्य कमांडरों को राज्य क्षेत्रों के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया और उन्हें प्रबंधन के लिए भूमि सौंपी गई, सही है। भूमि को एकता कहा जाता था, उसके धारकों को मुक्ति कहा जाता था, दोनों कथन आपके सही है। तीसरे में आपका सी होगा, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। क्वेश्चन है आपका 4, क्या है 4, दिल्ली सल्तनत की कर संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्या आप चुनना है, मैं सही कथन चुनना है। अलाउद्दीन खिलजी ने स्थानीय सरदारों से कर लगाने के अधिकार वापस ले लिए थे, सही है। खेती पर लगने वाले करों को खराज कहा जाता था, यह किसानों के उत्पादन का लगभग 50% होता था, ये कथन भी आपका सही है। 3 प्रकार के कर थे, खेती पर लगने वाला कर, मवेशियों व घरों पर लगने वाला कर। तो 4th नंबर क्वेश्चन में आपके तीनों कथन सही है, क्या होगा, डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 5, क्या है क्वेश्चन, अब देखिए क्या पूछ रहा है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित यात्रियों में से कौन अपने मूल देश के साथ सम्मिलित नहीं है, पूछ लिया, नहीं है पूछ रहा है। तो इसमें होगा आपका,
निकोली डी कॉन्टी इटली, ये सही है। अब्दुल रजाक फारस अफगानी, निकितिन स्पेन, ये गलत है आपका, सी ऑप्शन गलत है। दो आरती बारबोसा पुर्तगाल, इसमें आपका सी ऑप्शन गलत है। क्या है? अफगानी निकितिन। तो इसमें क्या होगा? आपका सी ऑप्शन होगा, क्योंकि सम्मिलित नहीं पूछा था। बड़ी संख्या में विजयनगर के राजाओं और नायकों द्वारा मंदिरों को दिए गए दानों के साथ साथ महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करने वाले शिलालेख पाए गए। यही कारण है कि बहुत से यात्रियों द्वारा इन शहरों का भ्रमण किया गया था तथा इनके विषय में लिखा गया। 15वीं शताब्दी में भ्रमण करने वाले यात्रियों में आपका इटली का व्यापारी निकोलो दी कॉन्टी, फारस के शासक द्वारा भेजा गया राजदूत अब्दुल रज्जाक, एक रूसी व्यापारी अपनसी निकिटिन, और 16वीं शताब्दी में आने वाले पुर्तगाल यात्री दुरियाते बारबोसा, डोमिंगो पेस, फर्नाओ नुनीज, सभी के बहुत महत्वपूर्ण हैं इनके। ठीक है, तो पांच का आपका सी होगा। क्या होगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन सिक्स, छठवां क्वेश्चन है हमारा। विजयनगर साम्राज्य में अमर नायक का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो याद रखना है, राज्य क्षेत्र को शासित करने वाले सेनानायक से। सिक्स में क्या होगा? ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है सात। क्या है क्वेश्चन है सात? निम्नलिखित युगों पर हमें विचार करना है, निम्नलिखित युगों पर विचार करना है, और सही हमें कथन चुनना है इनमें से। सही, ये इतिहासकार हैं, ये कीर्ति हैं। तो इसमें खपी खान, मुनताब उल तवारीख, ये आपका गलत है। हसन निजामी, फुतु उस सलातीन, ये भी आपका गलत है। जियाउद्दीन बरनी, फतवाए जहांगीरी, तीन आपका सही है। क्या है? डी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें क्या होगा? डी। याद रखिए, मुनताब उल तारीख नामक पुस्तक बदायूनी द्वारा लिखी गई है। मुनताब उल तारीख ये किस द्वारा लिखी गई है? आपकी बदायूनी द्वारा लिखी गई है, जिसे तारीख ए बदायूनी के नाम से भी जाना जाता है। खपी खान ने मुनताब उल लुबाब नामक पुस्तक लिखी। हुतुब उस सलातीन के लेखक हैं ईसामी। ठीक है, ईसामी। तो इसमें साथ में आपका केवल तीन सही था। क्वेश्चन है आठ। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आठ, निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है, सही युग्म चुनना है इनमें। चंदेरी का युद्ध आपका इसमें मुगल कालीन घटना है, अकाल चंदेरी का युद्ध, ये आपका गलत है। जजिया कर की समाप्ति, ये आपका गलत है। बुलंद दरवाजे का निर्माण 1602 में, ये सही है। केवल तीन सही है। इसमें जो आपका 1526 में बाबर द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की नींव डाली, किसने? बाबर ने। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526 में। और फिर 1527 में आपका हुआ खानवा, 1528 में हुआ आपका चंदेरी का युद्ध, 1528 में हुआ आपका चंदेरी का। अकबर द्वारा 1575 में फतेहपुर सिकरी में धार्मिक मामलों पर विचार विमर्श हेतु इबादत खाने के निर्माण का आदेश दिया गया, जबकि जजिया कर की समाप्ति 1564 में की गई। कब की गई? 1564 में की गई। गुजरात अभियान के सफल होने की खुशी में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण 1602 में हुआ था। ठीक है, आठ का होगा आपका सी। क्वेश्चन है नौ। क्या क्वेश्चन नो? मुगल काल में कॉर्निश शब्द किससे संबंधित था? तो ये था औपचारिक अभिवादन का एक तरीका, जिसमें दरबारी दाएं हाथ हाथ की तलहटी को ललाट पर रखकर आगे की ओर सिर झुकाते थे। सही है। क्या है? नौ में आया आपका ए ऑप्शन सही। ठीक है, क्वेश्चन है आपका दस। क्वेश्चन है दस,
निम्नलिखित युग्मों पर हमें विचार करना है, क्या करना है, विचार करना है, सही चुनना है, सही कथन। अमिल दिल्ली के सुल्तानों के अधीन एकता धारक थे, ये आपका गलत है। देशपांडे पश्चिम भारत और दक्कन में ग्राम लेखाकार, ये भी गलत है। खराज मध्यकालीन भारत के मुस्लिम शासित राज्यों में भू राजस्व था, ये आपका सही है। तो इसमें आपका केवल तीन कथन सही है। अमिल इसे मध्ययुगीन काल और प्रारंभिक ब्रिटिश काल के दौरान राजस्व संग्राहकों के लिए प्रयोग किया जाने वाला सामान्य नाम है, ठीक है। और जो देश पांडे थे पश्चिम भारत और डेक्कन में जिला या उपजिला स्तर पर राजस्व संग्रह के वंशानुगत लेखाकार था, ठीक है। क्वेश्चन है 11, क्या है क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, सही कथन चुनना है। श्री कृष्ण देव राय की अमूत कप मैदा बुक्सा प्रथम के शासनकाल के दौरान मदुरई की कंपना विजय से संबंधित है, ये आपका गलत है। अल्ला सानी फैद दाना की मनुचरित सलूब राजवंश की एक ऐतिहासिक प्रशस्ति थी, ये भी आपका गलत है, यानी कि दोनों आपके गलत हैं। श्री कृष्ण देव राय की अमूकतमायदा हमें विजयनगर के शासकों की राजनीति और राजनीतिक विचारों के बारे में जानने में सक्षम बनाती है, ठीक है। और जो दूसरा कथन है आपका, इसमें सही होगा अल्लासानी पेदाना की मनुचरित हमें विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक स्थिति है, विस्तृत रूप से जाति व्यवस्था की विस्तृत जानकारी देती है, यानी कि आपके दोनों कथन इसमें गलत थे, ठीक है। 11 का क्या होगा, डी, ना तो एक सही था और ना ही दो। क्वेश्चन है आपका 12, क्या है, संत रविदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो इसमें आपका वह रामानंद के शिष्य थे, सही है, वह एक मोची के पुत्र थे, ये भी सही है। उनके संप्रदाय को निमंदी के रूप में जाना जाता है, ये भी गलत है, ठीक है। उन्होंने भजन लिखे और उनकी कुछ कविताएं आदि ग्रंथ में शामिल की गई हैं। तो इसमें 1, 2 और 4 कथन सही है, ठीक है। अब 3 जो कथन है आपका, इसमें उनके संप्रदाय को सदनामी के रूप में जाना जाता है, उनके संप्रदाय को क्या कहते हैं, सदनामी, ठीक है। और जो आपका निम्बंदी संप्रदाय की स्थापना की थी किसने, निम्बार्क ने, मथुरा क्षेत्र में, ठीक है। तो इसमें आपका क्या होगा, 1, 2, 3, 4 यानी कि सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, 12 का सी। क्वेश्चन है आपका 13, क्या है, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है, क्या करना है, विचार करना है। नंद ऋषि मुस्लिम सूफी कवि थे जिन्होंने ऋषियों के आदेश की स्थापना की, सही है। महात्मा गांधी ने अपनी प्रार्थना सभाओं में नरसिंह मेहता के भजन का उपयोग किया जो मध्यकाल के संत कवि थे, ये आपका सही है। दासबोध निम्बार्क के लेखन उपदेशों का संकलन था, ये भी आपका गलत है, सॉरी 1 और 2 आपका सही है, ठीक है। इसमें होगा आपका ए ऑप्शन। नंद ऋषि नूरुद्दीन एक मुस्लिम सूफी कवि थे जिन्हें नंद ऋषि कहा जाता था। उन्होंने ऋषियों के आदेश की स्थापना की और उन्हें कश्मीरी मुसलमानों का संरक्षक संत कहा जाता है। ऋषिनामा और नूरनामा ने उनकी कविताओं का पाठ किया है। नरसिंह मेहता वह 15वीं शताब्दी के एक संत कवि थे जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए भजन गाए। वह एक महान गुजराती साहित्यकार थे। उनके भजनों का इस्तेमाल गांधी जी ने उनकी प्रार्थना सभाओं में किया है। फिर निम्बार्क 11वीं शताब्दी के वैष्णव दार्शनिक और रहस्यवादी थे। उन्होंने मथुरा क्षेत्र में निम्बंदी संप्रदाय की स्थापना की। उनकी एकमात्र रचना दासलोक है, दासबोध रामदास के लेखन और उपदेशों का संकलन है, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 14, क्या है 14 क्वेश्चन, मध्ययुगीन भारत के दौरान
विभिन्न राजस्व प्रणालियां और प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है, सही कथन चुनना है। इसमें से दहशाला एक राजस्व प्रणाली है जिसमें विभिन्न फसलों के औसत उपज साथ ही पिछले 10 वर्षों की औसत कीमतों की गणना की गई है। सही है। कर्णकूट प्रणाली के अनुसार सरकार द्वारा जमींदार के माध्यम से नीलामी में खेती या राजस्व एकत्रित करने का अधिकार अस्थायी रूप से उच्चतम बोली लगाने वाले को दिया जाता था। ये आपका गलत है। इजारा राजस्व गणना की एक विधि जिसमें कृषक और सरकारी अधिकारी आपसी समझौते द्वारा नमूना सर्वेक्षण के आधार पर उपज का एक सामान्य अनुमान लगाते थे। ये आपका गलत है। कौन? 2 और 3 आपके गलत हैं, केवल 1 सही है। इसमें होगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। और जो दूसरा और तीसरा गलत है तो इसमें सही क्या होगा? इजारा क्या है? इजारा जो थी, इजारा कृषि राजस्व का प्रकार था। इस प्रथा के अनुसार सरकार द्वारा जमींदार के माध्यम से नीलामी में खेती या राजस्व एकत्रित करने का अधिकार अस्थायी रूप से उच्चतम बोली लगाने वाले को दिया जाता था, ठीक है। कनकूत, कनकूत प्रणाली राजस्व गणना का एक तरीका था जिसमें किसान और सहकारी सरकारी अधिकारी आपस में समझौते द्वारा नमूना सर्वेक्षण के आधार पर उपज का एक सामान्य अनुमान लगाते थे, तदनुसार सरकार का हिस्सा तय किया जाता था, ठीक है। क्वेश्चन है 15। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 15, निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। हिंदू मुस्लिम मिलन और सद्भाव को अकबर की धार्मिक नीति में दर्शाया गया था। सही है। मजमा उल बहरीन दारा सेको द्वारा लिखी गई थी। ये भी सही है। तो 15 में आपका क्या होगा? 15 में सी ऑप्शन होगा। 1 और 2 दोनों कथन सही है। क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन? 16, अवध राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। सफदरगंज जंग ने अवध में एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की। सफदर जंग और उनके उत्तराधिकारियों ने अवध के नवाबियत और मुगल साम्राज्य के वजीरपन दोनों पदों को धारण किया। ये आपका पहला गलत है, ठीक है, और दूसरा आपका सही है। सुजाउद्दौला ने वॉरेन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि की। ये भी आपका सही है। यानी कि इसमें 1 कथन आपका गलत है, 2 आपका सही है और 3 सही है, ठीक है। तो इसमें होगा आपका सी ऑप्शन। और सब तो इसमें सादत खान बुरहान उल मुल्क, याद रखना, सादत खान बुरहान उल मुल्क को सम्राट मोहम्मद शाह ने अवध का गवर्नर नियुक्त किया था। बाद में उसने 1722 में वहाँ की एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। तो इसमें आपका 16 में सी है, 2 और 3। क्वेश्चन है 17, जलवायु भेद मंच के संदर्भ में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। मेज घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाने के परिणाम स्वरूप इस मंच की स्थापना हुई। सही है। यह जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जुड़े जोखिमों पर केंद्रित एक ऑनलाइन मंच है। ये भी सही है। यानी कि 17 में आपका सी होगा, दोनों कथन सही है। क्वेश्चन है 18, बकरी फ्लैग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। क्या करना है? विचार करना है। यह एक विषाणु जनित रोग है। सही है। यह रोग सीधे जानवरों से मनुष्यों में फैलता है और श्वसन संबंधी समस्याओं के कारण का कारण बनता है। यह आपका गलत है। इस रोग की रोकथाम के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। क्या है? उपलब्ध नहीं है, याद रखना है। इसमें सही आपका केवल 1 है, लेकिन इसमें 2 और 3 गलत हैं। तो इसमें सही क्या होगा आखिर? तो सुनिए, यह विषाणु आंसू, नाक का निर्वहन, खांसी और संक्रमित जानवरों के मल से स्रावित होता है। हालांकि PPR पेस्ट डेज पेटिटस रोमिनेंट्स विषाणु लंबे समय तक हवा में नहीं रहता और यह मनुष्यों को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है।
इस रोग के बारे में बताया, संक्रमित जानवरों के लिए इस रोग का कोई उपचार नहीं है, इस रोग की रोकथाम के लिए टीकाकरण एकमात्र उपाय है। ठीक, तो इसमें आपका एक कथन केवल सही था। क्वेश्चन है 19, क्या है? ग्रोथ इंडिया दूरबीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह दूरबीन लद्दाख में भारतीय खगोलीय वेधशाला में स्थित है, सही है। यह देश की पहली रोबोटिक दूरबीन है, यह भी सही है। इसका लक्ष्य प्रकाश वर्षों से बहुत अल्प समयावधि में घटित होने वाली ब्रह्मांडीय घटनाओं को दर्ज किया करना है, ये भी सही है। तो 19 में आपके तीनों कथन सही होंगे। ठीक है, क्या होगा? डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 20, क्या है? मुक्त अंतरिक्ष ऑप्टिकल संचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह लाइन ऑफ साइट आधारित संचार तकनीकी है, सही है। यह ब्रॉडबैंड की तुलना में उच्च डेटा संचयन गति प्रदान कर सकती है, ये भी सही है। तो यानी कि इसमें सी ऑप्शन सही है। एक और दो दोनों कथन आपके सही है। क्वेश्चन है आपका 21, क्या है? समाचारों में रहा ग्लोबल स्टॉक टेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो याद रखना, यह है आपका, इसका संबंध विभिन्न सरकारों द्वारा अपनाई गई जलवायु परिवर्तन कार्रवाइयों के प्रभाव के लिए प्रस्तावित पंचवर्षीय समीक्षा से है। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 22, हिमांश निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह हिमाचल प्रदेश में स्थित उच्च तुंगता अनुसंधान केंद्र से, ये ऑप्शन सही है। ठीक, क्वेश्चन है 23, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। इसे भूस्तर कक्षा में स्थापित किया गया, ये भी गलत है। ISS के निवासी सूर्योदय या सूर्यास्त के साक्षी नहीं बन पाते, ये भी गलत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन साझेदारी का एक भाग है, ये भी आपका गलत है। तीनों कथन आपके गलत हैं। तो इसमें सही क्या होगा? सुनिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला है जो पृथ्वी की कक्षा में सतह से 400 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। यह 100 बिलियन डॉलर की लागत से तैयार एक अनुसंधान केंद्र है जिसे पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित किया गया है, ना कि भूस्थिर कक्षा में। ठीक, और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को LEO में स्थापित निचली कक्षा में स्थापित किया गया है, अतः यह भी हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इस प्रकार ISS की यात्री दिन के 24 घंटों में 16 सूर्योदय और 16 सूर्यास्त देखते हैं। ठीक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की साझेदारी में भागीदार नहीं। ठीक है, इसमें था आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन है 24, क्या है? क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से किन तरीकों से भारत का एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम देश की मदद कर सकता है? यह उत्सर्जित प्रदूषकों को कम करके पर्यावरणीय प्रदूषण स्तर को कम करेगा, सही है। यह पेट्रोलियम उत्पादों में के आयात को कम करने में मदद करेगा, ये भी सही है। इससे देश में जल पदचिन्ह में कमी आएगी, ये आपका गलत है। ठीक है, इसमें एक और दो कथन सही है। एथेनॉल संमिश्रण कार्यक्रम के अंतर्गत एथेनॉल के उच्च उत्पादन के लिए भारी मात्रा में जल की खपत होगी, देश में जल पदचिन्ह में वृद्धि होगी, ठीक है। बी ऑप्शन सही है इसमें। एक और दो क्वेश्चन है 25, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट के वर्ष 2018 से के संस्करण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही है कथन चुनना है हमें। यह रिपोर्ट प्रकृति के लिए विश्व वन्य जीव कोष द्वारा विकसित की गई है, ये सही है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 दशकों में स्तनधारियों, पक्षियों, मछलियों, सरीसृपों तथा साथ ही उभयचरों की आबादी में औसतन कमी आई है, ये सही है।
उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में ध्रुवीय क्षेत्र में प्रजातियों की आबादी में कमी आई है। ये आपका गलत है। तो एक और दो आपका सही है, तीसरा आपका गलत है। LPI रिपोर्ट 2018 के अनुसार अन्य क्षेत्रों की तुलना में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रजातियों की जनसंख्या में अधिक गिरावट आई है। दक्षिण और मध्य अमेरिका में इनकी स्थिति अत्यधिक गिरावट दर्ज की गई है, जिसमें वर्ष 1970 की तुलना में 89% तक की कमी आई है। ठीक है, तो 25 में आपका बी ऑप्शन था सही, एक और दो कथन सही था। तो चलिए, ये था आपका 17वां टेस्ट। आगे हम लोग 18वां टेस्ट देखेंगे।